पूर्वी आलू के चिप्स खा रही है और पापड़ भी तले हैं आलू का बनाया हुआ। इधर मैं और मेरी बहन भी ठूसे जा रहे हैं। आलू के पापड़ बहुत ही तीखा लग रहा था। डोसा और आएगा और कुछ पिएंगे हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पुन्नू वर्मा ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कुटेली कला गाँव मेरे मायके, ठीक है। और अभी मेरी बच्ची के लिए कपड़ा नहीं था, वो टाइट हो रहा था, पहना के देख रहे थे तो सोचे डीमार्ट से ले ले कपड़ा। तो अभी चलते हैं डीमार्ट कपड़ा लेने के लिए, इसके लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर जाएंगे निकलते थे छोटे निकला, ठीक है। तो ब्लॉग पे पूरा बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए, ठीक। तो चलो चलते हैं। रास्ते में हम लोग को भूख लगा तो हम लोग पटेल रेस्टोरेंट में आए हैं। अब आज नहीं जा रहा होगा भाई पटेल रेस्टोरेंट में आए हैं हम लोग। ये रास्ते में पड़ता है धमधा के, तो इसके लिए ये बालू चाय लेना था। खा रही है, खाएगी। हम लोग को भूख लग गया था तो हम लोग सोचे खा लेते हैं कुछ नाश्ता, तो फिर उसके बाद फिर चलते हैं। हमारा समोसा उसका डोसा और आएगा और कुछ पियेंगे खाली बैठ। हमारा डोसा आ गया, इतना बड़ा डोसा है, पता नहीं प्राइस पता नहीं कितना रुपए है ना। खा के देखते हैं कैसा है, ठीक है। फिर ये आम का है, ये वाला आम का है और ये नाले आम। चलो बस उर्वी खाने का मन नहीं है। ये है पटेल रेस्टोरेंट धमधा का। भारी भीड़ रहता है, एक दिन का कुछ नहीं तो 20-30 हज़ार कमाई आ ही जाता होगा, है नहीं? ये बोला तो नहीं। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये गोबर गोबर। बहुत ही टेस्टी डोसा है, बहुत ही अच्छा डोसा है। पता नहीं कितना रुपए का है लेकिन अच्छा डोसा है ये। चुप ना, 100 रुपए का नहीं होगा, 50 रुपए का होगा। बालू साय तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, लेकिन ये नहीं खा रही है, डोसा खा रही है पूर्वी। ए पूर्वी, पूर्वी डोसा खा रही ना, फिर नानी यहाँ क्या खाएगी। यहाँ का सर्विस भी बहुत ही अच्छा है, बेचारे लोग ला ला के देते हैं चटनी को। अरे और पूर्वी की नाना कॉल कर रहे हैं, कितना बजे आ रहे हो करके। अभी मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, रिचार्ज भी कराएंगे नहीं तो घर जाके करेंगे। देखो मैं पहुंच गई हूँ घर, ठीक है, कुटेली। और मैं साड़ी वाड़ी चेंज कर ली हूँ, ठीक है। पूर्वी यहाँ पर खेल रही है और सब लोग फर्रा के सो रहे हैं, मम्मी पापा। इधर रूम में भी दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये रूम में ये अरे मेरी बहन सोई है, मैं आप लोग को ना अपने मायके का घर दिखाऊंगी, ठीक है। पूर्वी अपने नानी के यहाँ आके बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई है, बेचारे को बहुत ही फ्री स्पेस मिल रहा है तो इधर उधर जा रही है ना पूर्वी। ए पूर्वी, मैं ना आप लोग को अपने मायके का होम टूर कराऊंगी, कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ दिखाऊंगी मैं, ठीक। कैसा है घर बाहर से और इधर अंदर से घर दिखाऊंगी मैं, ठीक है। ये देखो मैं लाई हूँ स्प्राइट और हम पी रहे हैं सब लोग, ठीक है। और अभी हम लोग गुपचुप भी खाएंगे। और चिंचिन आ रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है।
मेरा और पूर्वी का बहुत ही डिमांड रहता है खाने के नाम से, तो हम लोग आलू चिप्स और पापड़ बनाए थे। आलू का पापड़ था ये, उसमें मिर्ची डाला हुआ था, बहुत ही तीखा था। पूर्वी तो बहुत ही ज़्यादा खा रही थी, बहुत ही खुश हो गई थी कि नानी मेरे लिए पापड़ तली है करके और चिप्स करके। मैं मेरी बहन दोनों बहन बहुत ही ज़्यादा खा रहे थे ठूस ठूस के पापड़। इधर डी मार्ट से जो कपड़ा लाए थे वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैं दिखा रही हूँ। ये टी शर्ट था, वो ये जो टी शर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कॉटन का लिए थे हम लोग, और बहुत ही कम प्राइस का था। ये शॉर्ट्स है, अभी गांव आए थे तो पहनाने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग ले लिए। ये भी टी शर्ट है, ये ऐसे फ्रिल टाइप का है जो वहाँ है उसमें फ्रिल टाइप का हम लोग लिए हैं। थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा साइज के लिए हैं क्योंकि टाइट होता है, पूर्वी का जो पेट है थोड़ा पेटू टाइप का निकला है इसीलिए। और ये कॉटन का पैजामा है, बहुत ही सस्ता में था। सभी जो टी शर्ट है पैजामा है वो इलास्टिक भी है, 129 का था ये पैजामा। और ये जो पूर्वी पहनी है ये टी शर्ट को भी हम लोग लिए हैं, इसमें कुछ बना हुआ था ऐसे और बहुत ही गंदा कर डाली थी, गीला भी कर डाली थी, नया ही पहनाए थे इसको। कम्फर्टेबल है, सारे जो टी शर्ट है वो कम्फर्टेबल है। कम प्राइस में डिमांड से बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो गया था हमारे पास। यहाँ पास देखो अपने नानी के साथ चना साफ करने में तुली हुई है ये पूर्वी, बहुत ही ज़्यादा काम करती है और काम करने में इसको बहुत ही मज़ा आता है। काम कम करती है, बढ़ाती ज़्यादा है काम को, दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फैला देती है चना वना को सब चीज़ को। नवरात्रि का टाइम है और गाना चल रहा था इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ये देखो पूर्वी सो गई है, थक गई थी बहुत ज़्यादा तो ऐसे पलटी मार के सो गई है। हम लोग पूरा खाना वाना खा लिए, फिर अभी जा रहे हैं हम लोग सब सोने के लिए। ये देख रहे थे टीवी, अभी चालू में भी नहीं हुआ है, ठीक है। और कल मैं आप लोग के लिए माय होम टूर बनाऊंगी, ठीक है। मेरा ये मायका का घर, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ठीक है ब्लॉग को। और अभी हम लोग सो रहे हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक के, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।